नागेंद्र जी बताइए, ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी का क्या एम एंड ऑब्जेक्ट है? सबसे पहले मैं अपने जनरल डीपी वत्स राज्यसभा सांसद, जिन्होंने इस भव्य प्रोग्राम का यहाँ पे आयोजन किया, साथ में मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारे सांसद धर्मवीर जी, सांसद हमारे सुनीता दुग्गल जी, जिन्होंने यहाँ पर आकर इस प्रदर्शन प्रोग्राम को और बढ़ावा दिया। साथ साथ मैं सभी आपके श्रोतागण को और आप लोगों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने नेक कार्य में अपनी भी आहुति डाली। आपने बात की इन जनकल्याणकारी योजनाओं, हमारा जो अभियान है, जो संगठन है, हम लोग वचनबद्ध हैं कि प्रधानमंत्री जी की चलाई गई जितनी भी जनकल्याणकारी स्कीम है जी, चाहे वो जनधन योजना है, चाहे वो आयुष्मान भारत है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, उनको लोगों तक पहुँचाना, उसका प्रचार प्रसार करना, उसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। और जितने लोग हैं, जितने लाभार्थी हैं, जो इसके लाभ से वंचित हैं, बेनिफिशरीज हैं, उनको हम लोग इसका लाभ पहुँचाते हैं, दिलवाते हैं। ये हमारा आइडिया आया कहाँ से, हम लोग ऐसे ही बैठे थे कुछ लोग, तो कुछ जन हमारे पास आए कि हम लोग इसके लिए एंटाइटल्ड हैं, अगर हमारे को मिल नहीं रही, चाहे वो जन आवास योजना है, चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं बन रहा है, तो पूछा गया उनसे, तो गरीब आदमी थे, तो बोलते कि हम चाहते हैं तो हमारे से पैसा मांगा जाए कि अगर आपको मिलेगा तो इतना दें। इस पर भी दलाली होती थी, तो उस दलाली को बंद करने के लिए इस संगठन का उत्थान हुआ और इसको शुरू किया गया। एक नेक्सस बताते हैं कि इसमें यानी कल्याणकारी योजनाओं में, हाँ जी, और आम आदमी तक लेन-देन तक पहुँचाने में एक नेक्सस भी है, एक रैकेट है, क्या उस रैकेट को तोड़ दिया गया है? बिल्कुल, थोड़ा बहुत रह रहा है। आप सही बोल रहे हैं, देखिए सरकार उसके ऊपर अपने कदम उठा रही है और साथ में हम लोग जैसे जो कि एक वॉलंटरली सर्विसेज हैं, इस चीज़ के लिए हम लोग पैसा नहीं लेते, ना सरकार से लेते हैं, ना हम किसी लाभार्थी से लेते हैं। हमारे को जहाँ भी पता चलता है, इसमें सरकार हमारी पूरी सपोर्ट करती है, पूरी सहायता करती है, जब हमें कहीं पता लगता है कि किसी ने किसी से पैसा लिया है, तो हम उसके ऊपर लीगल केस दायर करते हैं और उसको जेल तक जाने की बंदोबस्त उसका हम लोग करते हैं। क्या ये योजनाओं को आप आम आदमी तक पहुँचाने किस एक्सटेंड तक आम आदमी तक पहुँचती है? योजनाएँ बन जाती है, एक फ्रेमवर्क होता है, कन्वेस्ट की योजना फिर दी जाती है, हाँ जी, उसको लेमैन तक पहुँचाना, बेनिफिशरी तक पहुँचाना, हाँ जी, यानी किस एक्सटेंड तक पहुँची आज तक आप? बंसल साहब, बहुत ही अच्छा आपने उमदा सवाल किया है और मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, देखिए प्रधानमंत्री जी ने एक सपना सजोया था कि मैं ऊंच और नीच का जो डिफरेंस है, जो हमारा अंतर है, मैं उसको कम करना चाहता हूँ। हैव और हैव नॉट, हाँ जी, राइट। सो उन्होंने एक सपना सजोया, तो उसको पूरा करने की कोशिश की गई है, और उस आप पूछना चाहते हो उस कोशिश में हम लोग कहाँ तक खड़े उतरे हैं। हाँ। आप अगर देखेंगे जो हमारा पिछला लोकसभा का चुनाव है, उसके अंदर ये योजना और हमारे लाभार्थी कैसे निकल के वोट किया है, तो शायद आपसे उसको क्लैरिटी आई होगी। दूसरी चीज़ मैं इसमें एक और कहना चाहूँगा कि एक अमीर और एक गरीब में फ़र्क क्या है? अमीर नोट नहीं खाता है, वो भी एक पक्के छत के नीचे रहता है, उसके घर में खाना एक गैस पे बनता है, आप देखेंगे उसको मेडिकल सुविधाएं अच्छे अस्पतालों के अंदर है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। तो आप अगर देखेंगे, मैं तीनों चीज़ों की बात करूँ, तो आपको आवास विकास जो योजना दी गई है, आपके लिए पक्की छत सर पे दी गई है, अगर मैं बात करूँ गैस चूल्हे की, तो उज्ज्वला योजना आपको दी गई है, अगर मैं बात करूँ आपसे चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर, जहाँ पे वो एक अच्छे अस्पतालों का बेनिफिट लेते हैं, तो वहाँ पे आयुष्मान भारत आपको दिया गया है। तो इस अंतर को ख़त्म करने की कोशिश की गई और जिसने लोगों ने बहुत सराहा है, अगर आप देखेंगे पहली बार ये इतिहास गवाह इस बात का कि बीजेपी ने हरियाणा के अंदर क्लीन स्वीप दिया है और किसी भी पार्टी को अपना गर्दन उठाने तक का मौका नहीं दिया। एक प्रश्न मेरे जहन, हाँ जी, जब एंजियोग्राफी करवाते, हाँ जी, आप उसमें डॉक्टर स्टंट के लिए बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, यानी कि स्टंट डालते हैं, हाँ जी, हाँ जी, ब्लॉकेट आ जाए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कैपिलरीज के अंदर, हाँ जी, हाँ जी, तो स्टंट का सरकार ने निहित यानी कि पैमाना रखा कि भाई ये यानी कि एक लेमैन इस स्टंट की कीमत पर चुका के स्टंट डलवा सकता है, हाँ जी, हाँ जी, वो कितने कारगर है? क्या उसी कीमत से स्टंट डलते हैं लोगों के, या वो ही प्राइवेट वाले इतना पैकेज लेके 5 लाख 4 लाख का उसमें स्टंट डालते? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप तो देखो मीडिया है जिसको हम लोकतंत्र का चौथा पिलर बोलते हैं और मानते भी हैं, आप इस चीज़ को बजाय मेरे पूछने के, आप इसको जाके अस्पताल में चेक भी कर सकते हो, बखूबी ये चीज़ इम्प्लीमेंटेड है, अस्पताल वालों को तकलीफ भी है इस बात से कि जो उनके मार्जिन से वो कम हो गए, पर एक गरीब को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ है। आप रेट उठा के देखिए कि आज जितनी एंजियोप्लास्टीज हो रही हैं, कितने लोगों की इससे जान बच रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, हार्ट अटैक पहले भी ज़्यादा थे,
क्योंकि हमारा जो दिनचर्या है, जो खान पान है, उस पर हम लोग ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। जंक फूड है, जंक फूड है। और दूसरा भी एक चीज़ और कि आज हमारे सांसद साहब ने भी, धर्मवीर जी ने भी एक चीज़ मेंशन की थी अपने उद्बोधन में, अगर आपने सुना हो, कि हमने अपने क्रॉप्स की यील्ड तो बढ़ा दी है, उसकी क्या बोलते हैं आप, पैदावार तो बढ़ा दी है, बट समवेयर भी कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, क्योंकि हम लोगों ने यूरिया का प्रयोग किया, पेस्टिसाइड्स का यूज किया। हाँ जी, तो हमने प्रोडक्शन को तो 3 गुना कर दिया, पर हमने क्वालिटी से कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया, जिसकी वजह से बीमारियां बहुत चली। तो बहुत ही कारगर ये स्कीम हमारी साबित हुई है, जो गरीबों को फ़ायदा हो रहा है। और उसके साथ मैं आपको एक चीज़ पर और ध्यान दिलाना चाहूँगा, गरीबों के लिए जो अगर चिकित्सा क्षेत्र में आप देखेंगे, अभी जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जो नेक्सेस की आपने बात की थी, अभी केमिस्टों का भी एक नेक्सेस चल रहा है, जिसके माध्यम आपके माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि उन केमिस्टों की बात में ना आए, जहाँ पर वो लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि जेनरिक मेडिसिन है, ये जेनरिक मेडिसिन का फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका असर फार्मा से कुछ 10% कम हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि उसका फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा होता तो सरकार भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती। सर, आपने जब जेनरिक का जिक्र किया, हाँ जी, जेनरिक में एक और सवाल है। हाँ जी, जेनरिक मेडिसिन के ऊपर, हाँ जी, यानी 10 रुपये की मेडिसिन, हाँ जी, फार्मा पे तो लिखा होता है 20 रुपये, हाँ जी, और उसका 100 रुपये प्रिंट होता है, हाँ जी, आज भी ऐसा चल रहा है बिल्कुल, और उसमें 20% काट के वो उससे 80 रुपये वसूल कर लेता है। हाँ जी, हाँ जी, ये जेनरिक मेडिसिन का ये एक आम आदमी के लिए, आम पेशेंट के लिए कितनी, यानी कि कैसा असर पड़ता है, उसको कितनी जेब कटाई होती है? देखिए, उस जेब कटाई का आपने जिक्र किया, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसके अपना मतलब मैं इस चीज़ के लिए पक्ष रखूंगा मैं, और मैं तो खुशकिस्मत अपने आप को समझूंगा कि आपने एक ऐसी आवाज़ को उठाया है जो लोगों की तकलीफ़ भी है, और जिसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस पर काम किया है आगे होके, जो जन औषधि केंद्र की मैंने आपसे बात की, वो इसीलिए है, आप अगर उसमें जाते हैं जन औषधि केंद्र, हाँ जी, तो आप अगर उसमें देखेंगे कि एक दवाई का जो आपका रेगुलर कोर्स चल रहा है, आप महीने की 700 रुपये की दवा लेते थे, आज आपको वहाँ पर वो 200 रुपये में मिलेगा। तो वो जो आपने की कि 20% आपको डिस्काउंट दिया जाता था, 80 रुपये आपसे ले लिया जाता था, पर फिर भी हमारे जहन में ये था कि पता नहीं कितना प्रतिशत इसमें मुनाफा उसने रखा है, हमने उस मुनाफे को छोड़ के नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम लोग उन दवाइयों को गरीबों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने इतनी जानकारी जानकारी हाँ जी और केंद्र के लिए बताई, हाँ जी, हाँ जी, पर देश में इस बार एक बिल्कुल चुनाव मुहाने पे, हाँ जी, किनारे पे, हाँ जी, वर्ज ऑफ इलेक्शन, हाँ जी, चुनाव आयोग ने अपनी सारी डिक्लेरेशंस कर दी हैं, हाँ जी, तिथि निश्चित कर दी, हाँ जी, क्या लगता है कि अब की बार 74 पार का आंकड़ा, राजनीतिक बात पर मैं आपको इसमें बहुत अच्छे से बोलूँगा, मैं आपको पहले आपने सुना होगा कि पहले नमो नमो था और हरियाणा के अंदर मनो मनो है, और मैं बहुत अपने आप को इस चीज़ के लिए भी मतलब खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं भी इसी धरती का पैदा हुआ हुआ एक बच्चा हूँ, कि आज जिसमें बीजेपी अपना परचम लहराने के लिए पूरे हिंदुस्तान में ये पहली एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर पूरा विपक्ष धराशायी है। अगर मैं बात करूँ जजपा से, तो जजपा आधे से ज़्यादा हमारे पास है आज। अब मैं बात करूँ इनेलो की, आज आधे से ज़्यादा क्या पूरी हमारे पास है। आज मैं बात करूँ कांग्रेस की, कांग्रेस अपनी फूट में अपने आप उलझी हुई है, हुड्डा साहब खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे किधर जाना है क्या करना है। तो आप देखेंगे तो ये चीज़ों के लक्ष्य आपको दिखता है, जब कोई बड़ा पहलवान रिंग में आता है तो छोटे पहलवान भागना शुरू कर देते हैं। तो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी जो एक छवि और जो उन्होंने काम किए और जो आज भी मेहनत कर रहे हैं, उसके सामने कोई अपोजिशन विपक्ष टिक नहीं पाए। एक भेड़ चाल से, हाँ जी, जाए आइए बीजेपी में, आइए बीजेपी, हाँ जी, चलिए बीजेपी में, हाँ जी, टिकट एक एक अनाथ सो गया, हाँ, टिकट एक टिकटॉक दिया, हाँ जी, जब बाकियों को टिकट नहीं मिलेगी, जो एस्पिरेंट्स हैं टिकट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पहले एम पी भी रह चुके या मंत्री रह चुके, एम एल ए रह चुके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद क्या सिचुएशन होगी बीजेपी की? और स्टेट के अपने इश्यूज नागेंद्र जी अलग होते हैं, हाँ जी, सेंटर, बिल्कुल ठीक बात है, सहमत हूँ मैं आपकी बात से। आप कहना चाहते हैं पहले राष्ट्रवाद के नाम पे, मोदी साहब के नाम पे वोट पड़ी, उसमें कोई दोराय नहीं है, पर मैं फिर भी आपको एक बात जरूर मैं दिलाना चाहूँगा, एक याद आपको, उस इलेक्शन में भी हमने जो 18,000 नौकरियाँ बिना सिफारिश के दी थी, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, अदरवाइज ये 10 सीट हम लोग नहीं ले सकते। जिसने बीटेक भी 84 लग गया, ठीक है, वो देखो उसकी चॉइस है, मैं इसमें गलत नहीं, सेक्टर को भी देखता हूँ, मैं सरकारी सेक्टर को भी देखता हूँ,
मैंने बहुत से अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ लगे हैं, मैं मना नहीं करता हूँ, बट वो उनका एक चॉइस था, आगे भी नौकरियाँ निकल रही हैं और भी उसमें जा रही हैं। आपने बात की इस चुनाव की, पहला जो लोकसभा का चुनाव विधानसभा से अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, जायज़ बात है, परंतु मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ, खट्टर साहब के नेतृत्व में जो इस सरकार ने काम किया, आप उस काम को उठाइए, आपके ऊपर एक भी कोई ऐसा आरोप नहीं है कि आप भ्रष्टाचार में कहीं पर लिप्त पाए गए या किसी उसमें पाए गए। मैं दूसरी बात आपको एक और बोलना चाहूंगा, सीएम विंडो में तो भ्रष्टाचार की वो आई नहीं ना। मैं पहले एक बात आपकी पूरी करता हूँ, फिर मैं दूसरी पूरी आता हूँ। आपने मुझे बोला कि एक अनार सौ बीमार, उनको कैसे हम लोग मैनेज करने वाले। देखिए, मौका परस्त आदमी जो है, जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्ट, अगर जो आदमी अपॉर्चुनिस्ट है उसकी अपनी पार्टी में भी जगह नहीं है, उसकी दूसरी में भी जगह नहीं है। कदर उसकी होती है जो अपने घर में मतलब रह के और पेशेंस के साथ इंतजार करे कि मेरी बारी कब आएगा। थोड़ा कप्तान एक बनता है, अब उसका मतलब ये नहीं कि 10 छोड़ के चले जाए ग्राउंड से बाहर के, हम लोग नहीं खेलेंगे या हम लोग गलत परफॉर्म करेंगे उधर में, हम टीम को हराने की कोशिश करेंगे। अगर वो भावना उन लोगों में है तो मैं मानता हूँ कि वो अपने से तो एक वो क्या कहते हैं खिलवाड़ तो अपनी उससे कर ही रहे हैं करियर से, और दूसरा वो गद्दारी भी करते हैं अपने देश के साथ भी, अपने परिवार के साथ भी, अपने राज्य के साथ भी और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ भी। एक विनिबिलिटी शब्द आता है, हाँ जी, आपके मंत्री भी कहते हैं, हाँ जी, कि विधानसभा में सिरों की गिनती होती है, हाँ जी, है? हाँ जी, आदमी भी नहीं, हाँ जी, तो विधानसभा में जितने सीट हों, हाँ जी, अरे विनिबिलिटी, हाँ जी, सब पार्टीज के दूसरी पार्टी के जिनका करेक्टर देखे रह गया, जिन पे बीजेपी ने ही आक्षेप लगाए, हाँ जी, उन्हीं को इंडक्ट कर लिया, हाँ जी, कोर्ट टिकट की दावेदारी फरमा रहे, हाँ जी, विनिबिलिटी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो क्या ऐसे जिनका कंडक्ट थोड़ा अपन जिनका कंडक्ट देखे बिना बीजेपी ने उनको इंडक्ट किया, उनको टिकट दे दिए, विनिबिलिटी कैपेसिटी रखते हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर एक कमेंट भी किया था कि स्थायीता बहुत ज़रूरी है, अगर आपने सुना हो, चरित्र भी देखा जाएगा, हर चीज़ को नापा जाएगा, तोला जाएगा। देखो, राजनीति क्षेत्र के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आरोप प्रत्यारोप ना लगे, उसकी पूरी जांच करती है भारतीय जनता पार्टी का, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि वो पूरी जाँच पड़ताल कि वो आरोप सही थे या गलत थे उसके ऊपर उसका फैसला होगा। रही बात आपकी टिकट देने की, विनेबिलिटी की, ज़रूरी नहीं है कि ठीक है वो विनिंग कैंडिडेट है तो उसी को मिले, अगर उसकी छवि खराब है तो भी, ऐसा नहीं है। वो एक साफ छवि वाली, बेदार छवि वाली सरकार है, 5 साल आप देख चुके हैं, सरकार ने बहुमत से दोबारा से इनको मौका दिया है, तो वो इसीलिए हमारे को मौका दिया है। अगर छवि खराब होती, राष्ट्रवाद देशभक्ति की भावना नहीं होती तो शायद दोबारा मौका नहीं मिलता। और इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो ये सरकार ले गई 370 का, आज से पहले कोई सरकार ने नहीं लिया। ये थे इंजीनियर नागेंद्र जी। अब बताए देते हैं कि नागेंद्र जी की पर्सनैलिटी एक और क्या है। आप हैं जनरल बीपी बस साहब के लाडले दामाद, जो उनका पूरा कर लेते हैं, लेकिन वो अपने आप को छुपा के रखते हैं, लेकिन मैंने रिवील किया कि ये कभी ऐसा नहीं बोलते, जहाँ भी जाते हैं कहते हैं कि मेरी ये आइडेंटिटी मत दीजिए, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। ये अपने आप को एक डाउन टू अर्थ एक वर्कर मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का। इनसे मिलकर हमें बड़ी अच्छा लगा, बड़ा सौहार्दपूर्ण इन्होंने हमसे बातचीत की, बड़ी बेबाकी से बातचीत की, हमने इनकी रेडिकुलस पोजीशन करने की भी कोशिश की और एग्रेसिव क्वेश्चन भी इनसे पूछे, लेकिन इन्होंने बड़ी बेबाकी से साफ बोल से हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। ऐसे यंग डायनामिक इंजीनियर नागेंद्र जी, हम आपसे बहुत मुतसर रखते हैं कि बहुत आपने प्रभावित किया है और आगे आपका भारतीय जनता पार्टी में और राष्ट्र के प्रति इसी तरह प्रेम बना रहे, और हम आपको जो भविष्य की कामना करते हैं, और आप हमारे चैनल आपने हमें इतना बेशकीमती समय दिया नागेंद्र जी, हम आपका शुक्रगुजार हैं। मित्रों, इसी तरह की नौजवान शख्सियत को हम आपसे मिलवाते हैं जो राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व समझते हैं, जिस पार्टी में रहकर एक जमीन से जुड़ के काम करते हैं। ऐसे इंजीनियर नागेंद्र जी हमारे बीच रहे, हम इनका शुक्रगुजार करते हैं, शुक्रगुजार हैं, और आपसे भी एक वायदा करते हैं कि आप हंसी की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक ना एक नई शख्सियत से मुलाकात करेंगे, और
हमारी कोशिश रहती है कि हम आपकी पसंदीदा आवाज को, आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपको दिखाएं और आप हमें फीडबैक दीजिएगा, ताकि हम अपनी कमियों को नजर कमियों को दूर करके आपके सामने एक अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकें। इस वादे के साथ कि आप इस हंसी की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपका दोस्त राजीव बंसल फिर मिलता हूँ एक नई शख्सियत के साथ। इसी तरह स्नेह बना रहे और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आप इस गर्मी झुलसती गर्मी उमस भरी गर्मी से अपने आप को बचाए रखिएगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। मिलते हैं नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए राजीव बंसल।